सियासत के खेल भी अजीब होते हैं कर्नल हिदायतुल्लाह। जो सच है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता। यूपीए गमबख्त की वजह से हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल नहीं कर सके, वरना शर्ती है आज सारा कश्मीर हमारी मुट्ठी में होता। दरअसल ये एक हिंदुस्तानी एजेंट है, कभी याकूब अली बनकर, कभी तनेजा बनकर, कभी रोशन लाल बनकर, कभी चक्रवर्ती बनकर, और ऐसे ही बहुत सारे हुलिये अख्तियार करके ये हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता रहा है। कमबख्त ने जीना हराम कर दिया हमारा। हिंदुस्तान से हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन ने खबर भेजी है कि आजकल ये मेजर बत्रा बनकर कश्मीर के बॉर्डर पर तैनात है। डोंट वरी सर, बॉर्डर पर हमारे बॉस से आती है। मेजर बत्रा कश्मीर में कहां है जल्दी पता चल जाएगा। कौन है ऊपर? सब्जी पानी नहीं चाहिए? पानी जी। रुक साहब, तुम चाय नाश्ते का इंतजाम करो, जब जरूरत होगी बुला लेंगे, जाओ। जी साहब। और कर्नल, दूसरा अहम काम यह है कि इंटरनेशनल सर्वेलेंस से बचने के लिए तुम कुछ ऐसे खुफिया बंकर बनाओगे जिनमें हम एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बना सके। जी, हालात ऐसे हो चुके हैं और इंटरनेशनल प्रेशर भी इतना है कि पाकिस्तान चाहकर भी ना तो अपना इस्लामिक बम हिंदुस्तान पर इस्तेमाल कर सकता है ना हमें दे सकता है, और इसे हासिल करने के सारे दूसरे रास्ते पहले ही बंद हो चुके हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने कश्मीर की आजादी के लिए अपने न्यूक्लियर बम का इंतजाम खुद करेंगे। क्या क्या कर रही है तू? जी मैं बर्तन बर्तन मानने की इतनी क्या जल्दी थी? क्यों बोलती हुई चाय को छोड़कर यहाँ चली आई? जी नाश्ता के लिए प्लेटें तैयार। इतनी घबरा क्यों रही? जी घबरा नहीं रही। ट्रांसमीटर कहाँ है? किससे बात कर रही थी? यकीन मानिए मैंने किसी से बात नहीं की। ऐसे नहीं मानेगी ये, तलाशी लो इसकी। एक एक कपड़ा उतार के देखो इसका। लाहौर विला कुवत, ये क्या इबादत कर रहे हैं आप? अभी जान चुप, एकदम खामोश। तुम लोग शायद ये भूल रहे हो कि हमारे इस्लाम में औरत को ऊंचा और पाक दर्जा दिया गया है, उसको पर्दे में रखा जाता है, और आप लोग इस मासूम लड़की को बेपर्दा कर रहे हैं। शर्मानी चाहिए। और मौलाना साहब, आप तो सच्चे मुसलमान बनते हैं ना? सर दाढ़ी बढ़ा लेने से मुसलमान नहीं बना करते। अमी जान चुप रहिए आप। जो मुसलमान एक औरत को इज्जत ना दे सके उस पर लानत है, तो है उस पर। चल बेटी। बीबी, ये सच नहीं है कि हम औरत की इज्जत करना नहीं जानते, मगर हमें शक है कि ये एक जासूस है, पता है ये। नहीं बीबी जी, मैं गद्दा नहीं हूँ, मैं गद्दा नहीं हूँ। लेकिन मुझे मेरी तलाश। रहने दो। कसम, जाओ तुम। तुम ठीक कह रही हो रेशमा, बिल्कुल ठीक। लेकिन मेजर साहब का परेशान होना भी तो जायज है। तुमने अचानक उनके साथ ट्रांसमीटर पर बात करना बंद कर दिया। मेरी आज दो बार बात हुई उनके साथ, बहुत परेशान लगी वो। और हाँ, कुछ तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे वो।
उन्हें वो तस्वीरें भिजवाई नहीं? करीमुद्दीन हालात इतने खराब हो गए थे कि तस्वीरें भेजना एकदम नामुमकिन था, और ऊपर से जल्दी जल्दी छुपाने में वो मशीन भी टूट गई। लेकिन मैं कैमरा लेके आई हूँ, इसमें वो सारी तस्वीरें हैं। ऐसे में तुमने यहाँ आकर खतरा मोल लिया है। साहब जी को ये तस्वीरें भेजना जरूरी था, इसलिए मैं चली आई, वरना सायरा जी मैं उस पार जा रहा हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन इस वक्त अचानक मेरा जाना बहुत जरूरी है, ख्याल रखना। हाँ रेशमा, तुम फौरन कर्नल के यहाँ वापस लौट जाओ जी, और वहाँ एहतियात बरतना, अब किसी को शक ना होने पाए, ठीक है जी? जाओ। मशीन है, मैं तुझे लंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इधर करीमुद्दीन, हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए ही कर रहे हैं। सालों अपनी तकलीफों से मुसलमानों को भगाते हो, उन्हें अपने भाई कहते हो। सालों हिंदुस्तान से आए मुसलमानों को पास बिठाया नहीं, उन्हें गले से नहीं लगाया आज तक। दुनिया भर के मुसलमानों की क्या बात करते हो कबीरा? उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, उससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखते हैं कौन बचाता है। कासम, जिस शख्स ने रेशमा को यहाँ भेजा था और हमारे आदमियों से बचाया था, हमारी खुफिया एजेंसी ने पता लगाया है कि वो कमीना मेजर बत्रा ही था। मेजर पर आप सबका यहां पर स्वागत है, और खासकर रेशमा का जो आज हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर है। खुशी की बात यह है कि इस खूबसूरत लड़की ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देकर जाबाजी की एक शानदार मिसाल कायम की है। अपनी पसंद की लड़की से एंगेजमेंट करने जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो लड़की और कोई नहीं, हमारी रेशमा है। साहब जी,
हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि आपको मजबूरन